और इस बीच बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद 3 लोगों की मौत, 4 गंभीर जख्मी हो गए हैं। धमाके के बाद कई किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी। आगरा के शाहगंज इलाके में यह ब्लास्ट हुआ है। देखिए, बहुत बार जब दिवाली के करीबी होती है, दिवाली के करीबी के दौरान में इस तरह के कई मामले सामने आते रहे। एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया। देखिए, ये जो बच्चा है कितनी बुरी तरीके से रो रहा है, बिलख रहा है, क्योंकि उसके अपने लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। आप देखिए कैसे ये जो बच्चा है छोटा सा, इसकी आंखों में आंसू हैं और अपनों के लिए बुरी तरीके से बिलख रहा है। ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, और अभी भी जहां पर विस्फोट हुआ है कई लोग फंसे हुए, जानकारी ये भी है। 3 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, 4 बुरी तरह जख्मी है, लेकिन अब भी कई लोग फंसे हुए। मयंक त्यागी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। मयंक, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए, कितने लोग फंसे हुए परिवार के? और जी मैं बता दूं, विस्फोट इतना बड़ा था कि लगभग 1 किलोमीटर तक दूर आवाज सुनाई दी है, जहां लगभग अगर सवालिया निशानों की बात की जाए तो यहां LIU की निष्पक्षता के कारण ये ब्लास्ट माना जा रहा है, जहां स्थानीय पुलिस का भी हस्तक्षेप माना जाता है। देखा जाए तो दीपावली के दौरान ये आतिशबाजी का काम बड़ी चोरी छुपे चल रहा था, जिसपे ना तो LIU को सूचना थी, ना ही पुलिस को सूचना थी। लेकिन जल्द ही जल्द ये इतना बड़ा विस्फोट हुआ है, जहाँ देखा जाए तो आसपास के 2 मकानों की छत उड़ चुकी है, जहां लगभग 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है, लगभग 4 लोग अस्पताल की गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज जारी है। जहां छोटी मोटी चोटों की बात की जाए तो लगभग 7 से 8 लोगों को चोट आई है सामने, जिनपे ईंट पत्थर जो फिक्के आए हुए हैं। और बात भी है, और मैं ये बात का जिक्र पहले भी कर रही थी कि दिवाली के करीबियों के चलते आमतौर पर इस तरह के ब्लास्ट होते हैं, और ये रेजिडेंशियल एरिया में क्योंकि इस तरह का काम चल रहा होता है, इतने सारे और भी घर परिवार यहाँ पे रह रहे होते हैं। अभी ये जो रेजिडेंशियल एरिया में जो ब्लास्ट हुआ है पटाखों के चलते, कितने लोग, कितने घर प्रभावित हुए इससे? जी लगभग देखा जाए, मैंने आपको बताया कि इसका जो धमाका हुआ, लगभग 1 किलोमीटर तक इसका साउंड गया, लगभग देखा जाए तो 1 दर्जन से ज्यादा मकानों को प्रभाव में आया हुआ है। जहां देखा जाए तो जो आजमबाड़, जहां ये घटना स्थल हुआ है, ये धमाका हुआ है, काफी सेंसिटिव जगह है, जहां लोग बहुत छोटे छोटे मकानों में रहते हैं। अगर ये धमाका और बड़ा होता तो लगभग इसमें बहुत बड़ी घटना होने की आशंका थी। एक धमाका एक बड़े तमाचे के जैसा है। यहाँ पर 3 लोगों की जान जा चुकी है, और ये पटाखा विस्फोट जब हुआ, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया में चोरी छुप के पटाखा बनाए जाते हैं, और उसके बाद जो हालत होती है वो जरा देख लीजिए। तो जो लोग इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन देख रहे हैं, वो जरा खुद भी अलर्ट हो जाएं। हर बार ही ऐसे मामले सामने आते हैं, इतना ये संकुचित इलाका है, जरा देखिए कितनी संकरी गलियां यहां पर है, छोटे छोटे मकान है, छोटे छोटे मकानों में कई कई लोग रहते हैं, इन्हीं के अंदर ही पटाखे बनाए जाते हैं। और जरा पुलिस क्या कुछ कह रही है पूरे मामले को लेकर, पहले वो सुन लीजिए, फिर पहुंचेंगे मयंक के पास। देखिए, चमन मंसूरी नाम का एक व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं, जिनके घर पे ये ब्लास्ट हुआ है। इनका जो मेजर वर्क है इनका, वो फायर वर्क्स जो होते हैं पटाखे, उसका बनाने का काम है। इसमें एक सिलेंडर फटने की भी सूचना थी, साथ ही में जो पटाखे इन्होंने घर पे रखे थे उसको भी ब्लास्ट की सूचना है। इसमें 2 लोगों की प्रथम दृष्टि अभी जो इन्फॉर्मेशन मिले, 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 4 लोग अस्पताल पहुँचाए गए हैं। इसकी अभी जांच करने के बाद ही सारी चीज़ें न पता चलेंगी, ये अभी जांच का विषय होगा। ये 4 लोग घायल है, इसमें अभी 1 घर में है। मयंक, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन रेजिडेंशियल एरिया के अंदर पटाखे बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्रीज, इनको इसलिए बोलूंगी क्योंकि आमतौर पर रेजिडेंशियल एरियाज में ये छोटी छोटी फैक्ट्री चलाई जाती है, कैसे पुलिस को इस बात की खबर तक नहीं लगती, और हर बार ऐसे धमाकों के बाद सवाल पूछे जाते हैं, सोती है क्या पुलिस? जी मैं आपको बता दूं, पिछले वर्ष न्यूज वन इंडिया ने आगरा में इसी प्रकार की खबर दिखाई गई थी, जहां एक पटाखों के बाजार में बहुत भयंकर धमाका हुआ था। उसके बाद ये पुलिस की बड़ी कार्यशैली पर बड़ा निशान है कि पूर्व में पहले इस तरह का हादसा सामने आ चुका है, उसके बाद LIU और वो जांच एजेंसियां जो इस प्रकार की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेती है, कि उनपे इस तरह की सूचना, जो कि इतने बड़े लेवल पर पटाखे बनाने की तैयारी की जा रही थी और उसके बाद धमाका हुआ, उसके बाद ये जांच और तमाम ये चीजें कही जा रही हैं, वो केवल सवालिया निशान के तौर पर दिखाई देती हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। सवाल निशान तो खड़े करती हैं पुलिस की कार्यप्रणाली पर। हर बार ये धमाके होते हैं दिवाली के दौरान में रेजिडेंशियल एरिया में, कैसे पटाखे बनाए जाते हैं, कैसे लोगों की जिंदगी लोग खुद भी खतरे में डालते हैं, और कैसे उसकी जो ये कह लीजिए कि शुद्ध पुलिस को लेनी चाहिए, वो शुद्ध पुलिस लेती नहीं है, और उसके बाद ऐसे दर्दनाक हादसे होते हैं, इतनी दुखद और दर्दनाक ये तस्वीरें होती हैं। जरा एक छोटा सा बच्चा देखिए कैसे बुरे तरीके से बिलख रहा है, रो रहा है, उसके अपने लोग उसके सामने बिल्कुल मौत की इस जो चारपाई है उस पर लेटे हैं, और ऐसी मौत की शैया पर लोग लेटे हैं उसके, कि वो अपने इस आंसू को रोक भी नहीं पा रहा,
और ऐसी तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल एक बार को थम जाए।